तो अंकल लोग का अब यहाँ पे भजन चल रहा है, आई थिंक भजन ही चल रहा है। सुषमा आज है सरसों की सब्जी, वैसे हमारा लाई की सब्जी से बनाई जाती है, सरसों की सब्जी मेरे को बनानी आती नहीं। और मुझे ये दारू पीने के लिए आया था, ये चटना और ये सोडा। वो ये सोच रहा है कि इतना रुला जाता है क्या बताऊं, जैसे कि मुझसे मार के काम करवा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू ब्लॉग पर। और आप सबको हमारा नमस्कार, प्रणाम, पहला। कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। एंड फिलहाल मेरे मॉर्निंग वॉक का डे है आज 11, और मुझे कोई साथ का नहीं मिल रहा कि मैं बाहर जा सकूँ वॉकिंग के लिए, तो आज मुझे छत पे ही जाना पड़ेगा। बिकॉज रितिका को कॉल करी उठा लीजिए, बदतमीश जयती को, और बेब ने मना किया था कि अकेले बाहर मत जाना, तो सोचूं कि छत पे चले जाती हूँ। और ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जितना ही हो सकता है उतना अपना वॉकिंग और एक्सरसाइज छत पे कर लेती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं छत पे। और नींद तो मुझे बहुत आ रही है, क्योंकि रात को सो नहीं पाई ठीक से। जैसे सोने लगूँ उसके बाद अपने आप फिर थोड़ी देर में नींद खुल जा रही थी, हर 5 मिनट के अंदर। तो जाके आते हैं, थोड़ी देर एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो गाइस यहाँ पे अंकल लोग की वॉइस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनके लिए सर यहाँ पे मॉर्निंग वॉक सोच रहे। कल से मैं भी कहती हूँ अंकल मुझे भी ज्वाइन करवा लो अपने साथ में। और भी मुझे तो अंकल लोग का अब यहाँ पे भजन चल रहा है, आई थिंक भजन ही चल रहा है, या कुछ थ्रोट। तो अब चलते हैं नीचे, हिम्मत तो नहीं हो रही कुछ काम करूं, बट नीचे जाके थोड़ी देर, यहाँ तो छत पे पॉसिबल हुआ नहीं, तो नीचे जाके थोड़ा बेबी पोज वगैरह रिलैक्स मोड अपना ऑन करेंगे आराम से। कल ही मैंने झाड़ू भी किया था, पोछा भी किया था बहुत अच्छे से, कि एक दिन का गैप लेके फिर अगले दिन मैं पोछा करूंगी। और फिर क्या हुआ, मैं किचन की मैट उठा के झाड़ू पोछा कर चुकी थी, मैट लाना भूल गई। और फिर बब्बू मैं जो मैं तो मैट लाना भूल गई, अच्छा बब्बू मैट लेके आ गए। और बब्बू मैट लेके क्यों आए किचन के दिखाते थे, ये देखो बब्बू ना मैट इसलिए लेकर आए किचन की। ये मैं वही कहूँ साला, मैंने कल तो मैंने पोछा लगाया था और आज ये कैसे हो गया, इतना गंदा क्यों हो रहा है इधर को पूरा, यहाँ पे भी ऐसे हो रहा था, यहाँ को हल्का फुल्का ये दिख रहा था, तो मैंने कहा ये शायद पता नहीं, मैंने कहा अभी भी कैसे हो गया। इसमें तो मैंने साफ किया था, पोछा लगाने की बात ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी जब मैं झाड़ू लगाने लगी तो देख रही हूँ ये हाल है किचन।
आने तो बहुत मुश्किल को, कितनी जल्दी छुपाते चीजों को, अब आप ही पोछा मारना पड़ेगा मुझे अभी। बिना एक नंबर के चालू आदमी है। काम करके लग गई था काल, मैं सोच रही थी कि मैं पहले नहा धो के पूजा कर लूं, खाने पीने की तैयारी करके ना करते चाय पी ली, बट अभी ठंड अपने गले में ऐसा जो जुकाम वाला वो होता है ना अजीब सा वो हो रहा है, तो इसलिए मैं सोच रही चाय पी लेती हूँ। देन उसके बाद देखते बब्बू को मैसेज करती हूँ, हाँ पहुँच जाए, अरे मेरी कमर उठ ढंग सब पीड़ करने यार, चाय पीने पहली के पत्ते एनर्जी मिल जल, एनर्जी मिल जल तो फिर काम लह जल, काम लह जल तो फिर आराम लह जल, और क्या चैन पड़ो। तो वेब ने यहाँ पे एंट्री मार दी है और मैं बैठी जरा नारियल पानी पीने के लिए। बब्बू कल यहाँ पे कुछ हुआ था क्या? क्या किचन में कुछ हुआ था? नहीं कुछ गिरा था आपसे, सच्ची बोलना। वो मैट लेके तो आप बाहर से आए ना, क्यों लेकर आए? पानी गिर रहा था इसलिए। कौन सा पानी गिर रहा था बब्बू? कौन सा पानी गिर रहा था मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कौन सा पानी था तो बताओ पहले। पानी नॉर्मल पानी, कौन सा पानी था? तो नॉर्मल पानी इतना भयानक दाग लगता है क्या? सुबह देखा तो पूरा दाग ही दाग नीचे साला, मेरे से आप पोछा नहीं मारूंगी मैं। किस चीज का दाग? अब वो तो आप ही बता सकते हो, मुझे किचन में तो आप ही घुसे थे, या तो आपने बनाना शेक गिराया है, बनाना शेक कहाँ गिराया, या तो आपने कुछ ना कुछ तो गिराया था। चीटर, भूख लग गई, या फिर रोटी सेको यार, आ गई वो ऑन कर दो गैस में रख दो, उसमें आ गई। सो गाइज अब करते हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में आ जाए सरसों की सब्जी, वैसे हमारा लाई की सब्जी से बनाई जाती है, सरसों की सब्जी मेरे को बनानी आती नहीं और मुझे पैसे पसंद भी नहीं आती, ऐसे ही ज़्यादा पसंद आती है, और रोटी सब्जी बन बना दी। अब करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, मैं क्या लगा रही हूँ मूवी, बोरिंग बोरिंग मतलब सो जाऊँगी मैं, वैसे सो रही हूँ आजकल। तो चलिए शुरू करते हैं। बेबो नींद नहीं आ रही, ये लोग सोने नहीं दे रहे। बब्बू तो सो भी नहीं पाए, मेरे में काम के चलते खट खट फट फट, बस मशीन तो ऐसा लग रहा था ड्रिल मशीन, ऐसा लग रहा था सर में छेद कर रही है बिल्कुल, बहुत ज्यादा तेज चल रही थी मेरी तो नींद भी, सो रही थी तो सो रही थी बराबर ही हो रहा था, और बेबो भी बैठे पड़े हैं कि ये काम बंद हो तो मैं सोऊं, बट टाइम भी गहरा होते जा रहा है, कब सो गया फिर, टाइम भी गहरा होते जा रहा है। हाँ टाइम भी गहरा होता जा रहा है, यानी कि दो बजते जा रहे, तीन बजते जा, चार बजते जा रहा, और गहरा होता जा रहा टाइम, और गहरा होता जा रहा, फिर आपके ऑफिस का टाइम हो जाएगा तब। और मुझे नींद आ रही इतनी भयानक, कितना इस सोनू में नींद पूरी नहीं लगता है। क्या मंगा लिया भैया? चटनी और दाल का आइटम। देखो सर अभी आ गए, कोई ऑर्डर देगा तो कहेगा कि ये दारू पीने के लिए आया था, ये चटना और ये सोडा, वो ये सोच रहा कि तो अरे शायद आज पार्टी है, वाला भी यही सोच रहा होगा। बब्बू को नींद नहीं आ रही, लेमन सोडा के लिए सोडा, तीन बोतल इसने लगाएगी क्योंकि मेरे को 75 रुपए उसमें मिले थे जेप्टो में। तो ये टोटल सामान कितने का आया आपके? ये है 80-90 का, मतलब बाकी की तरफ आप 75 रुपए जब तो नहीं दे दिए आपके। ये सही है बॉस, कल 100 रुपए थे यार, मैंने मंगाए नहीं, 100 का लॉस, 90 का मंगाया तब जाके वो मिला ना, नहीं कितना 99 का, हाँ वाउचर टैप्स, तब वो डिलीवरी चार्ज नहीं देते। ओके तो ब्लिंकिट से तो बेटर थी यही है जब तो, लेकिन महंगा है इसका तो वही चीजें, वैसे पैसे कमा रहा तो वैसे पैसे भी तो लगाए रहा है। पॉपकॉर्न खाओ मस्त हो जाओ, ये तो एक्टो के हैं भी अच्छे हैं। सो टाइम हो चुका है 5:30 बज गया है और मैं फटाफट से बना रही हूँ शाम के लिए खाना, वेब के ऑफिस के लिए भी, और दाल और सब्जी क्या बनाओ क्या बनाओ करके समझ में नहीं आता, एक तो आधा दिन तो ऐसे ही सब समझने में चला जाता है कि बनाना क्या है आखिर। फटाफट से मैं यहाँ पे मैंने लौकी काट दी है और दाल भिगाने डाल दी है, और अब मैं यहाँ पे कद्दूकस कर दिया है, अदरक भी लहसुन भी और मिर्च काटती हूँ, प्याज काटती हूँ, दो दो बर्तन मैंने साथ ही में रख रखे ताकि जब मैं एग्जॉस्ट ये सॉरी इसी नहीं ऑन करूँगी तो सारा धुआं एक साथ ही रहे, बार बार अलग अलग करके मुझे ऑन ना करना पड़े। बड़े मुश्किल से बब्बू सोए अभी,
बेचारे जितने बार सोने की कोशिश करे पता नहीं आज बिल्डिंग में काम कौन सा चल रहा सुबह से। पहले तो मैं सुबह सोई थी तो मेरा सर फट गया था वहां पे, और अभी जैसे बब्बू सोने जा रहे तो वैसी वो मशीन चलने लग जा रही है। तो इसको मैं कर लेती हूँ पार्टीशन, थोड़ा सब्जी के लिए, थोड़ा दाल के लिए, सब्जी के लिए ज्यादा पार्ट रख देते हैं, दाल के लिए ज्यादा पार्ट। तो मैं तो अपने काम को करती हूँ फटाफट से फिनिश ताकि मैं चाय पी सकूँ। 5:30 ऑलरेडी हो चुका है और फिर शाम को दिया जाने का भी टाइम हो जाएगा, फिर मैं चाय भी नहीं पी पाऊंगी। नीचे लग गए ये प्याज काटा, सबसे बड़ा टास्क लगता है मुझे तो। अभी तो प्याज नहीं काटा, अभी सिर्फ छिलका होता रहा, तो ये हाल है। इतना रोना जाता है क्या बताऊं, जैसे कि मुझसे मार के काम करवा रहा हो। मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से ब्लॉग बनाती हूँ सब खाना वाना बनाने का, और दें को डालूंगी, बट हुआ क्या जैसे बनाने लगी मेरे मेन मसाले तो जल गए, अदरक और लहसुन वगैरह का पेस्ट जो था वो जल गया पूरा, क्योंकि पूरी अद्दू आ गई थी। बोलती कि अंकल से खेलना मैंने कहा अंकल तो सो रहे हैं, उनकी नाइट शिफ्ट है, उसका भी मन लग जाता है उनके साथ में। बट अभी मैं देखा क्या सो रखे बड़ी मुश्किल से, क्योंकि दिन भर बिल्डिंग की खटखट खटखट से उनको नींद वैसी नहीं आई, तो अब जाके सोए हुए हैं। फिर वही नाइट शिफ्ट का फिर बहुत हैक्टिक हो जाता है। तो फिलहाल मैंने बना लिया है यहाँ पे सब्जी चढ़ा दी है, मसाले वसाले भी डाले नहीं है। एक तरफ मेरी सब्जी यहाँ पे रेडी हो रही है, मसाले जब सब्जी थोड़ी गल जाती है उसके बाद डालती हूँ, और यहाँ पे टमाटर ने तेल छोड़ दिया है, अब मसाले पकाती हूँ देन उसके बाद दाल डालती हूँ, और साइड से रख देती हूँ चाय। चलिए हम तो लेते हैं चाय का मज़ा, और यह है पेठा। मैं देखा अगर मैं डेली इसमें चीनी वीनी डाल दूँगा तो पेठा भी बर्बाद चला जाएगा, इसलिए पेठे के साथ खाएंगे चाय, पियेंगे चाय। बब्बू सुन रहे हैं, चुपचाप देख लेती हूँ इससे पहले कि सब्जी है कि फल? मुझे फोन चार्ज लगाने का, फोन चार्ज चार्ज बाहर लेकर आते हैं। आर यू रेडी बेब? अभी तो टाइम है जाने में, सब समय अपना सोडा पीती हूँ। हाय बेब, ज़्यादा दूर मत जाना, उसी को बुलाना इधर को, कहाँ ढूंढते रहोगे आप? नहीं तो सो डिनर विनर हो चुका है डन, और आज के ब्लॉग को करते ही पे समाप्त, मिलता है आपसे आने वाले करके नेक्स्ट ब्लॉग पे। सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय माता दी।